गुजरात के राजकोट में कोविड सेंटर अस्पताल में देर रात लगी भीषण आग, 5 लोग की मौत। ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 रन पूरे, भारत को विकेट की तलाश। विराट कोहली बोले, अपने पहले बच्चे के जन्म के सुंदर पल का अनुभव करना चाहता हूं। वैक्सीन का फिर ट्रायल कराएगी एस्ट्राजेनेका, सवालों के घेरे में आया ऑक्सफोर्ड का दावा। कांग्रेस के राज में कराए जा चुके हैं केंद्र राज्यों में एक साथ चुनाव, अब विपक्ष कर रहा है शोर। हुंडई ला रहा है सबसे सस्ती एसयूवी बायोन, हर किसी के बजट में हो जाएगी फिट। यूएई से पाकिस्तान को फटकार, MiG-29K का ट्रेनी विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, एक पायलट मिला और दूसरे की तलाश जारी है। चीन को भारत का एक और झटका, सेना की वर्दी के लिए चीनी कपड़े की जगह लेगा भारतीय कपड़ा। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है 50% से अधिक कारगर साबित होने वाली वैक्सीन। अर्नब गोस्वामी को अंतरिम बेल देने के कारणों का आज स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। असुद्दीन ओवैसी को उसके ही घर में मात देकर बड़ा संदेश देना चाहती थी भाजपा। पाकिस्तान ने ठंडे बस्ते में डाले भारत के डोजियर। दिल्ली से आया विमान इंदौर में हुआ खराब, यात्रियों का हंगामा। क्रिकेट के मैदान में स्पिन बॉलिंग पर खूब जड़े छक्के, सियासत की पिच पर फिरकी में बुरे फंसे थे दो। इस बार 2 माह में बस 10 दिन ही बजेगी सहनाइयां। राहुल को अभी पुराने दिग्गजों में ही तलाशना होगा नया संकट मोचक। प्रधानमंत्री बोले, नवीकरण ऊर्जा मामले में भारत दुनिया का 4th सबसे बड़ा देश है। देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। गिर गए सोने के वायदा भाव, चांदी भी फिसली। राष्ट्रपति कोविंद ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का किया पाठ। भारत और ताइवान की नजदीकी से टेंशन में चीन। अंकुश शर्मा ने 50 लाख के सवाल पर गेम से किया क्विट। शादी के 1 महीने बाद ही रोहनप्रीत को लोगों ने किया ट्रोल। वार्ड फंक्शन में कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो ना होने पर भड़के सुधांशु पांडे।